अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। न्यू ब्लॉग के साथ मैं आपकी सिस्टर हाजिर हूँ और मेरे नन्ने मुन्ने बच्चे भी हाजिर हैं। नन्ने मुन्नी बच्ची मेरी हाजिर है करी ही? मैं बड़े बच्चे हूँ। आपको क्या चीज लेने जाना है ना अभी? चीज जो खाने की होती है। आपकी ईदी कहाँ गई? खत्म खत्म हो गई। और आपके उसे नहीं दी कहाँ गई? नहीं है खत्म हो गई आपकी ईदी ईदी। तो है ही नहीं। अच्छा अनाबिया, देखें हमारा न्यू व्लॉग हमने स्टार्ट किया है शाम के 5 बजे। बस देर हो गई, बच्चे स्कूल से आए, मुजम्मिल मोहम्मद मुजम्मिल पेपर देकर आए, उसके बाद मैं भी लड़ गई थी इसे। रात को रमजानों की जो रूटीन चल रही है वही चल रही है। बस उसको इनको स्कूल भेजा, उसके बाद फिर मैं भी लेट गई। मोहम्मद मुबशी की तबीयत ठीक नहीं थी, उनके हाथ में बहुत पेन था जिससे मैंने उनके हाथ कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं करना। ओ हुसैन, आप हुसैन को देखिए, ये हुसैन की जो चप्पल आप पैरों में देख रहे हैं ना, ये चप्पल इनकी बहुत कम उतरती है और ये बड़ी हिफाजत से रखते हैं चप्पल को उठा उठा कर अपने। बस क्या बताऊं, तो बस चलिए साथ रख के बेड पे रख के सो जाए पास, है ना। और कहीं और भी जाते हैं तो मैं बहुत तंग करते हैं, चप्पल बड़ी मुझे हिफाजत से रखते हैं अपनी। जी बेटा क्या दो? चले ठीक है, हम देने लगे हैं अनाबिया को। थैंक यू बोलो। हुसैन ये आपके, ये दोनों लेने जाएंगे चीज। थैंक यू बोलेगा मेरा मोहम्मद। थैंक यू बोलो। थैंक यू, थैंक यू बोलो। थैंक यू, हाँ थैंक यू। बोलो बस उठे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं। चले बेटा बाय बाय। हुसैन सामने आए, चले भाई हो रहा है पीछे। हुसैन भी अब हेलो हाय करते हैं वीडियो को देख के। भाई मुबशी की तबीयत पूछने के लिए देखे अभी तक आ रहे हैं, लेकिन मुबशी के हाथ बहुत जख्मी है, बता नहीं रही। सुबह ही देखा है मैंने हाथ ही। ये देखिए मेरी प्यारी बेबी डॉल काम करने लगी है। चले ठीक है, मैं लेकर आ गई अपना शाम का पैर का रात का खाना। दाल चावल खाने लगी हूँ और असर की अजान होने लगी है, पर खाना खा के मिलती हूँ नमाज असर की पढ़ के मिलती हूँ। देखिए मेरे दाल चावल आ जाए, आप लोग भी खा ले। मामा आ जाए, अना भी आ जाए और ना भी। हाय हाय करो। ये भी नहाने जाएंगे, है ना। मोहम्मद हुसैन भी जहाँ नहाने जाएंगे, अभी शावर लेंगे। मोहम्मद हुसैन भी है ना, मोहम्मद हुसैन लाइट गई भी है। बच्चे दिन में तीन तीन चार चार दफा नहा रहे हैं, बहुत बहुत बुरा हाल है लाइट का। और खाना खाना दिन निकल, चलो मैं भी खाना खा के मिलते हैं, खाना खा के मिलते हैं। ठीक है, इनको भूख लग रही है। मम्मा मुझे पैसे नहीं दे रही, कब से बुलाई जा रही है मम्मा? ये मुझे डरा रही है, ठीक है, मुझे धमकियां दे रही है। ना मैं ब्लॉग में बोल देती हूँ, मेरी मम्मा मुझे पैसे नहीं देती और मैं इतने पैसे देती हूँ इनको कि मैंने अपनी ईदी भी इनपे खर्च कर दी। अपनी तो ये ईदी खा चुकी है और उल्टा मुझसे मांग रही है कि मामा हमें पैसे दो। ये देखो मेरी नानी की फ्रॉक, फ्रॉक देखो, और आज तो बेबी डॉल लग रही है मेरी नानी, है ना नानी जी। भाई लाइट अल्लाह का शुक्र है आ गई है और हमने फौरन मौके से फायदा उठाकर हमने लगा ली वॉशिंग मशीन। मैं धो रही हूँ इस वक्त कपड़े, इसलिए लाइट का कुछ पता नहीं है, कभी भी जा सकती है। मैंने कहा इससे पहले कि लाइट जाए हम लगा लेते हैं मशीन में, इस वक्त धो रही हूँ वॉशिंग मशीन में कपड़े। चले ठीक है, फिर अभी अंदर चलते हैं जब तक मैंने कपड़े डाल दिए हैं और अनाबी को देख लेते हैं। अनाबी बहुत तंग कर रही है, लाइट का कुछ पता नहीं, लाइट तो चीज लंबे में जा सकती है। मुझे जल्दी जल्दी कपड़े धोने हैं। ओ पा मेरा दूध भाई लग रहा था, ये गिरने वाला था, फौरन टाइम पर मैं टाइम पर आ गई। इसलिए एक और यहाँ पे सिचुएशन हुई भी है कि लाइट तो जा रही है, लाइट के साथ साथ हमारी गैस भी जाती है। ओह माय गॉड, हम लोगों की गैस भी चली जाती है, लाइट तो जाती है लेकिन उसके साथ साथ गैस भी जाती है। तो जिसको जो पकाना है, जो जब ये हमारे लिए लाइट खोलते हैं ना, उसी टाइम में हमें खाना भी बनाना होता है और खाना भी बनाना होता है और लाइट जब खोलते हैं उसी टाइम में आपको अगर कपड़े वॉश करने हैं कपड़े भी वॉश कर लें। बस लाइट खोलेंगे, गैस भी खोलेंगे और उस काम में आप एक घंटे में सब कुछ काम कर लें। पहले तो मैंने रोटियाँ बनाई और अलहमदिल्ला रोटियाँ बना ली मैंने, और फिर उसके बाद मैंने लगा ली वॉशिंग मशीन के, पहले मैं कपड़े धो लूँ। लेकिन यकीन करें कि हाउ है ना नाबिया, क्या बोले? बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। अभी कल स्कूल जाना है, इतनी गर्मी में नहीं 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 आपको स्कूल तो जाना है, भाई के पेपर हो रहे हैं, भाई भी जा रहे हैं ना, वो तो जाना है जाना है जाना है। चल ठीक है, हम देखकर हम चाय लेकर आए थे कि आपसे कहा था ना लाइट जाने वाली, देखिए लाइट चली गई। अनाबिर में कपड़े दिखाएं, लाइट चली गई, अब हम बैठे हैं इस लाइट में, लाइट जा चुकी है, लाइट बहुत जा रही है। अनाबिर आराम से देंगे, बच्चे पी रहे हैं चाय, डबल रोटी खाएंगे, पहले ये खा लो। और मैं भी अब एक चीज़ दिखाने वाली हूँ, अनाबिया के कपड़े, छोटे छोटे कपड़े निकले हमारी अनाबिया के जब हम आ रही है, हमारा या 1 साल के अंदर थी अंदर,
1 ईयर ठीक है। चना भी अपने कपड़े दिखाएं, ये दिखाएं फ्रॉक, ये फ्रॉक, ये देखे। हम पहले होती थी ना हमारी अम्मी होती थी, हम छोटे होते थे, हमारी अम्मी तकियों में कपड़े भर दिया करती थी। तो मैंने अभी आज वॉशिंग मशीन लगाई तो तकिया कवर निकालने लगी, तो ना भाई इतने छोटे छोटे कपड़े निकाले। अक्सर मैं कपड़े दे देती हूँ, बहुत कपड़े दिए हैं, लेकिन चंद फ्रॉक है मैंने यादगार रखी हुई थी अपनी अनाबिया की, और इससे बेतहाशा कपड़े इसलिए मेरे घर में रखने की जगह बिल्कुल नहीं है। ये कपड़े छोटे मोटे, लेकिन ये चंद सूट हैं जो मेरी अनाबी में बड़े क्यूट लगते थे, तो मैंने ये उठा के रख दिए हैं। 2-3 सूट निकले हैं, ये देखिए और दिखा, और इनके मामू ने दिया था, यज्जू मामू ने दिया था ना ये सूट, देखे कैसा है सूट, ये देखे छोटा सा है ना अनाबिया। चले भाई, हमारे मोहम्मद मुजम्मिल काम कर रहे हैं, मोहम्मद मुबशिर का उजैर से बोला था तो उजैर ने अभी काम नहीं किया, कह रहे मैं थोड़ी देर बात करूंगा, लेकिन मेरे मुबशिर अभी काम करके बैठे हैं बहुत सारा, तो थोड़ा उनकी आँख में दर्द होने लगा, तो मैंने कहा मोहम्मद मुजम्मिल आप कर दें। तो ये देखिए मोहम्मद मुजम्मिल मस्तियाँ करते हुए और इनका काम कर रहे हैं। मोहम्मद मुजम्मिल की राइटिंग बहुत इम्प्रूव हुई है, बहुत अच्छी राइटिंग हो गई मेरी मोहम्मद मुजम्मिल की, देखें ये बहुत अच्छी हो गई है। तो ये काम करने लगे हैं, और ये देखें मेरी एक अदद बेटी, एक लौती बेटी जो बहुत कम काम करती है, आराम ज़्यादा करती है, इनके मुकाबले में इनके भाई का ज़्यादा काम करते हैं, इनसे बस बिस्तर तोड़वा लें, इनसे बस आराम करवा लें। चली गई लाइट, इतना जा रही है कि 1 घंटे लाइट आ रही है तो 4 घंटे 3 घंटे लाइट जा रही है, अभी भी लाइट चली गई। इतनी देर में सिर्फ मैंने कपड़े वॉश किए हैं और सफाई की है, फ्रिज की सफाई की है, और बच्चों के बाबा भी लगते हैं, ऐसी बात नहीं है, वो भी लगे थे, और उसके बाद फ्रिज साफ किया, सारे कपड़े वॉश किए, घर की सफाई की। घर की सफाई करने के बाद हम नहाकर आए थे कि चले बस, बड़ा बुरा होलिया हो गया था काम करने से, कपड़े धोने से, तो बस नहा के थोड़ा सुकून मिलता है। बस नहाकर मैं आई हूँ, वॉशरूम से बाहर निकली हूँ, अंधेरा, लाइट गई, विंडो देखे मेरी, लाइट गई, लाइट चली गई, और लाइट ने इतना तंग किया कि मैं ब्लॉग कब बनाऊं समझ में नहीं आ रहा है। और मेरा मोहम्मद मुबशीर जो की कॉपीज लेकर आए, उनके पढ़ाई का हर्ज हुआ है, तो उन्होंने मुझे कहा है मामा थोड़ा मेरी हेल्प करें, थोड़ा मेरा काम करें। हेल्प सबने की है, उनकी कजन ने भी की, मुजम्मिल ने भी थोड़ा बहुत काम किया, लेकिन इतना काम नहीं किया जितना मेरे मुबशीर ने काम किया। मुबशीर ही लगे हुए हैं, थोड़ा सा मैं उनकी हेल्प करूंगी, लेकिन मैंने ये कपड़े भोपाल चढ़ावा है, मैंने किए थे बर्तन वॉश, तो बस मैंने मुबशी को बोला मैं थोड़ा इनको ना रखकर आती हूँ तरतीब से। और लाइट के साथ साथ हमारी जाती है गैस भी जाती है, जिसमें मैं चाय तो नहीं बनाती, चाय की इतनी तलब हो रही है लेकिन मैं चाय नहीं बना सकती, हमारे साथ गैस की भी लाइट जा रही है और वाली लोड शेडिंग भी हो रही है। बस हमें खाना होता है ना तो हम पहले खा लेते हैं, 9 बजे तक आप खा लें, चाय पी लें, खाना खा लें, उसके बाद ना खाएं, कुछ भी ना खाएं। अभी दिल चाह रहा है, मैं गर्मी हो कुछ भी हो चाय पी के मेरी थकान उतरती है, चाय में बड़ी शौक से पीती हूँ, लेकिन गैस ही नहीं है हमारा। चले बस ये थोड़ी लाइट है हमारी जो चल रही है इमरजेंसी लाइट, उसकी काराम आते जो मेरा व्लॉग बन रहा है, वरना ये व्लॉग भी नहीं बन पाता। चले अंदर चलते हैं, थोड़ा मुबशीर की हेल्प करते हैं। हाँ ये भी नहा कर, ये रो रहे हैं, चड्डी नहीं पहनी, उन्होंने कमीज नहीं पहनी हुई है, ये जरा रो रहे हैं और ये सोते। हेलो गाइस, ये मैं आँख में दर्द हो रहा था बहुत, तो मम्मा ने अभी घर का भी काम करा, कपड़े भी धोए, मेरी आँख में भी दर्द हो रहा था, मैंने कहा मम्मा थोड़ा काम आप कर दें बाकी थोड़ा मैं कर दूंगा, तो अभी मम्मा काम कर रही हैं, मेरा मैथ का काम है अभी काम कर रही हैं। और मेरे बेटे के लिए भी दुआ कर रहे हैं, ये जल्दी से सेहतियाब हो जाएं, इनका ट्यूसडे पेपर, बताएं आपका कब से पेपर स्टार्ट है, बताएं ट्यूसडे को व्यूअर्स से बोले प्लीज मेरे लिए दुआ करें कि मेरा हाथ का दर्द ठीक हो जाए, बोले दुआ करेंगे आपके लिए, सही हो जाऊंगा, बस सही है, बोलो। शर्मा इधर देखा, वो देखो पकड़ो कैमरा मामा को। हाय गाइस, मैं अपनी विंडो पे बैठी हूं और पता नहीं लाइट नहीं आएगी, जब तक मैं खिड़की पे बैठी हूं हवा आएगी, आप जब तक विंडो पे बैठी रहेंगी जी, और लाइट का तो कुछ पता नहीं है। लाइट, अच्छा लाइट जब तक नहीं आए तो आप विंडो से हटेंगी नहीं, उतरना मत, ठीक है, विंडो से उतरेंगी आपकी पनिशमेंट है। हाँ, जो मैं कल हारी थी जी, वो पनिशमेंट दिए भाई, देखिए भाई जब तक लाइट नहीं आएगी ना, अनाबी ने खुद बोलती जब तक लाइट नहीं आएगी मैं विंडो से नहीं हटने वाली, और यहाँ से इनको लग रही है हवा आ रही है, वहां से भी यहाँ से ये खा रही है हवा, और हम कर रहे थे लाइट का वेट कि लाइट आ जाए तो थोड़ी रोशनी होगी तो हम अपना करेंगे व्लॉग एंड, लेकिन लाइट का दूर दूर तक कुछ पता नहीं है, तो व्यूअर्स इस व्लॉग को हम करते हैं यहीं पर ही एंड। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इस वीडियो करेगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब,
चले ठीक है, इस वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पर एंड। बस इतना कहना चाहूंगी कि मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन उनको प्रेस करें ज्यादा से ज्यादा। आप भी बोले लाइक करें, बस कर दें जल्दी से कर दें, प्लीज कर दें। बस रोज आपकी सिस्टर बोलती है कर दें, लेकिन मेरे व्यूवर्स बहुत अच्छे हैं, करते हैं, मुझे रोज करते हैं नो डाउट, लेकिन प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, रोज करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें। चलिए ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज का व्लॉग मेरा बना है, लाइट ही नहीं थी, बहुत बुरी हालत है, बस दुआ करें हमारे घर की लाइट आ जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। बाबा जी हैदराबाद, सियालकोट पर।